गुड मॉर्निंग। अब आ चुके हैं अपनी बाइक पे, सामान वामान हमने बांध दिया यहाँ पे, इस बाइक पे पूरा सामान वामान बांध चुके हैं, पीछे हमारा बैग बच चुका है। अब हम जा रहे हैं पहले ओमकारेश्वर मंदिर। आज हमारा इस ट्रिप का फोर्थ डे। हम कल रात पहुँचे थे उखीमठ से, और उखीमठ से पहुँचने में हो गई थी हमें लगभग उखीमठ पर पहुँचने में होंगे 10 बज गया था हमें अपने इस जगह पर पहुँचने में। तो अब बच चुका है लगभग दिन का 11, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैक किया था तो नींद आ गई थी। तो अभी उठे, सामान वामान बांधा, अब चल रहे हैं। एक तो सोलो राइड पर हूँ मैं, तो अब यहाँ से निकल के पहले चलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर। ग्यारह हो चुका है टाइम अगर आप देखोगे तो काफ़ी लेट निकले आज हम, क्योंकि कल ट्रैक करके काफ़ी थका हुआ था। तो आज तो मैंने कहा आराम से निकलूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी मंजिल है नहीं मेरी। आज मेरी मंजिल है सिर्फ जोशीमठ, तो यहाँ से पास ही है, ऐसा नहीं है ज़्यादा नहीं, बहुत टाइम लगेगा नहीं पहुँचने में। तो हमने कहा पहले ओमकारेश्वर मंदिर, तो मैं थोड़ा ओमकारेश्वर के बारे में आपको बताता चलूँ। ओमकारेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूरे पंच केदार की पूजा होती है सर्दियों में। शीतकालीन जो आवास है हमारे पंच केदारों का, वो यही है उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में। तो वहीं लेके चल रहे हैं आपको, बाइक लगा दी हमने, यहाँ से पैदल है। ये है रास्ता मंदिर का, ये दोनों भाई हैं, ये हमें मिले हैं यहाँ पे उखीमठ के मंदिर में। उखीमठ का जो ओमकारेश्वर मंदिर है, जो शीतकालीन निवास है मधुमेश्वर और केदारनाथ जी का। और ये भाई हमारे चैनल को देखते हैं, और ये भाई लोग, भाई क्या आपका नाम बताओ? विराट। और भाई आप? भौतिक। भाई कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत बढ़िया। और मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा। और अभी कहाँ से आओ, कहाँ को जा रहे हो? हम आए केदार से आ रहे हैं। हाँ, बद्रीनाथ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो आपकी भगवान केदार और बद्री आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। लोग निकल गए, पहाड़ों में भगाने के लिए गाइस दो चीजें होनी जरूरी है, या तो आप पहाड़ी हो या आप तगड़े राइडर हो। तो देख लो, दो चीजें होती हैं, और हम तो दोनों ही हैं, तो हम तो भगाएंगे ही बाबा। बिल्कुल उल्टे हाथ के बैंड आ रहे हैं, बहुत पतली सड़क है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पतली सड़क है। अब यहाँ पर आके हम पहले पहुँचेंगे चोपता। चोपता से तो पूरा डाउन ही डाउन है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बाइक का रिजर्व लग गया है और हमें तेल मिलेगा गोपेश्वर पर ही। तो ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचाता है हमें इसका तेल, नहीं तो ले लेंगे कहीं पर 1 लीटर तेल, हमारा काम बन जाएगा। चलिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ को वो करने वाला ना मेन रास्ता है। सही आ रहा लुक रास्ते का, तो बढ़िया बेहतरीन सा रस्ते का आनंद लेंगे गाइस। अदा हमने पूरा
इस जगह पे ना पूरा ऊपर, तब कैंप वैम्प नहीं थे, अब तो साला सब कैंप वैम्प बना दिए यहाँ पे, एक कैंप नहीं था यहाँ पे। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसे बुग्यालों को ख़राब क्यों कर रहे हैं, इतने कैंप भाई। यहाँ पर तो एक भी कैंप नहीं था जब हमने खेला था, तो यहाँ पे मतलब स्नोफॉल हुई थी, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, एक कैंप नहीं था। अभी देख रहे हो सारे कैंप ही कैंप हैं भाई साहब। हेलो भाई नज़ारे, गजब गजब भाई गजब। ऊपर तक कैंप ही कैंप बना रही है भाई, बहुत भीड़ लग गई चुपता हुआ। चलो लेट्स गो। ये आगे भाई चोपता हम लोग, ये रहा चोपता, यहाँ का ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे लगाते हैं कहीं पे बाइक अपनी, खड़ी करके रुकते हैं यहाँ पे। ये तुंगनाथ जी का द्वार, हाय हाय एक नंबर। जय श्री तुंगनाथ बाबा की जय हो। तृतीय केदार, तृतीय केदार हैं हमारे तुंगनाथ जी। यहाँ शिव जी के हाथ और पांव उनकी भुजाओं की उनकी पूजा होती है यहाँ पे। यहाँ से हम चल रहे हैं तुंगनाथ की यात्रा पर। जय हो प्रभु, जय हो भगवान, जय हो नारायण, तृतीय केदार, जय हो प्रभु। दोस्तों ये हमने लगा दिया अपनी बाइक में झंडा, ये हमारा भगवा बढ़िया लहरा रहा बजरंगबली के साथ। इधर देखिए जय श्री राम लिखा हुआ है और इस झंडे को हमने बांधा और ये भाई जी ने हमारी मदद की है। कैसे भाई जी, जय भोले की, हरे महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, भाई ने हमारी बदवाने में मदद करी। चलिए भाई अब आगे चलते हैं और सफ़र बढ़ते हैं। मस्त लग रहा है ना झंडा बाइक पर हमारी, बताना हमें ठीक है। दोस्तों टाइम हो चुका है हमारा 3:28, यानी 3:30। हम निकल रहे हैं चोपता से और चलते हैं अब। और बताओ गाइस कैसा लग रहा है यहाँ से निकल के। तो भाई अब यहाँ से निकलते निकलते हो गया था हमें 3:30 और टाइम हो गया थोड़ा सा ज़्यादा। अब थोड़ा सा यहाँ से निकलते हैं, खींचना पड़ेगा क्योंकि जोशीमठ पहुँचना है और जोशीमठ है यहाँ से लगभग 120-130 किलोमीटर। चलिए है कैसा है ना कि थोड़ी हाइट पर रोड बना रखी है, तो अगर हाइट से तो जो नीचे के पहाड़ होते हैं ना बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। हालांकि कोई वो हिमालयन रेंज नहीं है, प्रॉपर स्नो कैप माउंटेन्स नहीं है, बट एक सीक्वेंस में माउंटेन एक के पीछे एक बड़े दिख रहे हैं, तो बड़ा सुंदर ही लग रहा है वो वाला नज़ारा। ये बैंड के बाद आ जाएगा। ओए यहीं से नीचे कुदा दूं क्या? वाह जी वाह, सुंदर अद्भुत, पूरी रेंज दिख रही है यहाँ से। भाई साहब जंगल। हाय हाय प्यारा सा गाना बज गया प्यारे से रास्ते में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका रिक्रिएट हुआ ऐसे कुमाऊनी गाना। अरे गितारा जुनियाली राता को सुना लू, आय हाय को सुना लू,
तेरी मेरी बांता स्वर्ग तारा आ गए हैं हम गोपेश्वर मार्केट में भाई लोगों के साथ। बाइक लोग हैं हाइपर राइडर, कोई आरएस 200 लेके चल रहा है, कोई केटीएम एडवेंचर 390 लेके चल रहा है और हाइपर राइडर हैं भाई लोग अपने। सही खींच रहे हैं गाड़ी। चलो हम लोग ही भाई के साथ ही साथ चल रहे हैं गोपीनाथ मंदिर में। मजा आ रहा है क्या? आवाज सही है, सही है। जो लोग देख रहे हैं ना इंस्टा 360 को, सब देखे जा रहे हैं भाई को। भाई साहब मार्केट में रिएक्शन कैप्चरिंग अच्छी हो रही है। ये गोपीनाथ मंदिर यहाँ का गोपेश्वर का, ये कत्यूरी राजाओं ने ये भी 9वीं शताब्दी में बनाया था, उसी आर्किटेक्चर पे पूरा जिस पर आपके केदारनाथ वगैरह हैं। ये है गोपीनाथ का बहुत सुंदर सा मंदिर, होपफुली आपको ये बहुत पसंद आया होगा। और यहाँ पे जो आरती वगैरह हो रही थी बहुत ही सुंदर थी। देखिए कितना सुंदर सा ये मंदिर है। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो। इस वीडियो करते हैं पे एंड। थैंक यू गाइस, टेक केयर।